हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं निकल रहा हूँ फैमिली के साथ फॉर नेक्स्ट ट्रिप। एंड डेस्टिनेशन इज़ देहरादून, और देहरादून घूमने के बाद जाएंगे मसूरी। 4 बजे का सोचा था मगर निकलते निकलते 5 बज गए, कोई नहीं तो स्टार्ट करते हैं। और आ गए हैं बैक टू दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे, बिकॉज यही वाला रूट लेंगे। तो अभी खतौली आने वाला है और वहाँ किसी रेस्टोरेंट में रुक के ब्रेकफास्ट करेंगे। लास्ट टाइम जब इस रूट पे आए थे तो चीतल ग्रांड, जिसमें हर बार किया करते थे, वो बंद था। इस बार अगर ओपन हुआ तो वहीं रुकेंगे, ओल्ड राव होटल, तो यहीं करेंगे ब्रेकफास्ट। फिर से चीतल ग्रांड बंद था। आई डोंट नो क्या हो रहा है, हर बार बंद ही मिलता है। तो अगर आपको पता हो तो कमेंट में जरूर बताना। तो अभी हम हैं सहारनपुर रोड पे। ध्यान रखें, इसका कट दिल्ली हरिद्वार रोड से नियर रामपुर के पास आएगा, जिसके मिस होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। और ये सामने है सुभाष चौक। जाने को तो रुड़की बाईपास से भी होते हुए जा सकते थे, बट ये रूट रोड कंडीशन वाइज उसके कंपेयर में अच्छा है। तो पीछे सहारनपुर हाईवे का फर्स्ट टोल था, काफ़ी टाइम लगा। और टाइम इसलिए लगा क्योंकि फास्टैग था ही नहीं। कह रहे थे स्टेट हाईवे है, फास्टैग नहीं है, कैश देना पड़ेगा। तो ₹165 का टोल लगा, जो कि कैश में दिए। अभी एक और टोल गया पीछे, रिकॉर्ड नहीं हो पाए, बट ध्यान रखे जो फर्स्ट टोल कटा था ₹165 का, वहाँ से स्लिप जरूर ले ले। और सेकंड टोल पे अगर आप वो स्लिप दिखाएंगे तो वहाँ कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। और टोल वाले इतने चालू हैं कि बताते नहीं हैं, जिसे नहीं पता उससे दोबारा कैश ले रहे हैं, क्योंकि फास्टैग तो है ही नहीं। तो सामने है टी पॉइंट, लेफ्ट रूट जाता है टूवर्ड्स सहारनपुर, हम जाएंगे राइट टूवर्ड्स देहरादून। तो हिली रोड स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ से देहरादून अराउंड 22-23 किलोमीटर्स रह गया है। और ये देखो लेफ्ट साइड में जोरों से देहरादून एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है। एक चीज नोटिस करी कि जो देहरादून एक्सप्रेसवे बन रहा है, एकदम स्ट्रेट निकालने की कोशिश करी जा रही है। मतलब हम तो कभी लेफ्ट कभी राइट होते हुए आ रहे हैं, जैसे हिली रोड होती है, मगर एक्सप्रेसवे एकदम स्ट्रेट निकाला जा रहा है, विच इज गुड। और फाइनली यूपी से उत्तराखंड में एंट्री कर गए, और अब यहाँ से देहरादून 5-6 किलोमीटर ही बचा है। सो टाइम इज 10 AM और पहुँच गए देहरादून। ऑलमोस्ट 5 घंटे लगे, जिसमें से अराउंड 45 मिनट्स ब्रेकफास्ट के लिए रुके। तो आज देहरादून घूमेंगे और कल जाएंगे मसूरी। सो अभी भी डिसाइडेड कि होटल में चेक इन बाद में करेंगे, पहले रोवर्स केव, जिसे गोचू पानी भी कहा जाता है, वहीं चलते हैं, क्योंकि जितना लेट जाएंगे क्राउड बढ़ता जाएगा। अरे ये गूगल मैप कहाँ गलियों में ले आया। ये सामने स्विफ्ट वाला भी पक्का रोवर्स के भी जा रहा है। ये देखो जरा कितनी नैरो गली है, और गूगल के हिसाब से अभी स्ट्रेट जाना है, तो मैं तो नहीं जाने वाला। सो यहीं से अब लेफ्ट लूँगा और मेन रोड वाला रूट ही लेंगे। रूट भले थोड़ा लंबा हो बट सही हो, और ड्यू टू ट्रैफिक जैम गूगल पता नहीं कहाँ कहाँ से निकाल रहा था। तो रोवर स्केप के लिए मेन रोड से थोड़ा नीचे की तरफ और नैरो रोड पे जाना पड़ेगा, बट डोंट वरी, इस बार गूगल सही रास्ता दिखा रहा है। तो पहुंच गए रोवर स्केप, कार यहीं पार्किंग में पार्क कर देते हैं, फिर देखेंगे।
तो कार यहाँ पार्क कर दी है एंड पार्किंग कॉस्ट इज ₹40 पर कार। काफी बड़ा पार्किंग एरिया है यहाँ। और ये देखो बच्चे मजे से कॉटन कैंडी एंजॉय कर रहे हैं। वो सामने वहाँ जाना है तो चलते हैं। तो ये रास्ता जाता है टूवर्ड्स रॉबर्स केव। एक बात ध्यान रखें, जब भी यहाँ आए साथ में स्लीपर्स लेकर आए क्योंकि केव्स में आपको पानी में चलना होगा। तो यहाँ पे 10-10 रुपए में रेंट पे मिल जाती है स्लीपर्स। अगर इनके साथ लाना भूल गए हो तो यहाँ से ले सकते हैं। और यहाँ रॉबर्स केव के बारे में बताया गया है जो कि 600 मीटर्स लंबी नेचुरल केव है जिसके अंदर से नदी बहती है और चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरी है। और वो रही सामने केव की एंट्री, सो लेट्स गो। वो सामने है टिकट काउंटर एंड टिकट प्राइस इज ₹35 पर पर्सन एंड किड्स बिलो 4 ईयर्स ऑफ एज आर फ्री। तो टिकट ले लेते हैं और एंट्री करते हैं। एंट्री करते ही कैफेज एंड रेस्टोरेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं और वहां सामने किड्स प्ले एरिया भी बना रखा है। केव के अंदर स्नैक्स और ड्रिंक्स लेके जा सकते हैं बट प्लीज रैपर्स एंड बोटल्स केव में ना डालें। वो सामने है केव जिसके अंदर अब हम जाएंगे, तो चलते हैं। अब जाएंगे अंदर और जैसे जैसे अंदर जाएंगे पानी का लेवल ऊपर होता जाएगा। और अब पानी का लेवल फिर से कम होने लगा है। So that's it. तो यहीं तक थी केव। आगे एक छोटी सी गुफा है, काफी भीड़ है, देखते हैं क्या है। ऊपर भी काफी लोग बैठे हुए हैं जो कि यहाँ से चढ़ के जा रहे हैं। तो पहले केव को देखते हैं उसके बाद ऊपर जाके देखेंगे। तो ये है वो केव, काफी नैरो रास्ता है। सामने छोटा सा वाटरफॉल टाइप है बट मैं यहाँ से आगे नहीं जाने वाला क्योंकि पानी का लेवल काफी ऊपर है और अगर आगे गया तो पूरे क्लोथ्स गीले हो जाएंगे। मगर इफ यू वांट आप यहाँ नहा सकते हैं। चलो चलते हैं बैक और देखते हैं ऊपर क्या है। तो अभी वन लेवल ऊपर आ गए हैं और यहाँ से नीचे एक और रास्ता जा रहा है, तो पहले यहाँ देखते हैं। नीचे से अच्छा तो यहाँ है, तो बैक साइड में भी एक और पाथ है तो वहां भी देखते हैं। अरे ये क्या, ये तो वही केव है जहां लोग नहा रहे थे। तो अब चलते हैं वापस नीचे। यहाँ ऊपर साइड का रास्ता काफी रॉकी टाइप का है और रॉक्स गीले होने के कारण काफी स्लिपरी हो रखे हैं, तो ध्यान से चलें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें और बच्चों का तो खास ध्यान रखें। तो फाइनली इट्स कंप्लीट, अब बाहर निकलते हैं। आ गए बाहर और ये देखो जब अंदर गए थे और अब क्राउड ऑलमोस्ट डबल हो गया है। तो अभी कुछ खाते हैं और फिर निकलते हैं। तो अभी टाइम इज 1:14 PM, ऑलमोस्ट 3 घंटे लगे बट काफी इंजॉय किया। कोशिश करें मॉर्निंग में जल्दी आने की, क्राउड कम मिलेगा। तो अभी चल के होटल में चेक इन करते हैं और फिर निकलेंगे देहरादून में अगली प्लेस को एक्सप्लोर करने। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो करते हैं इस वीडियो को यहीं एंड और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।